कांग्रेस को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये बताने वाले हम कौन। कांग्रेस को लग रहा होगा कि कन्हैया कुमार हमारे पार्टी में शामिल होंगे, हमारी पार्टी में बढ़ जाएगी। लेकिन हमको ऐसा लगता है पिछला जो चुनाव हो रहा था लोकसभा में, जिसमें कन्हैया कुमार बेगूसराय से लड़े, उनका बयान उसके पहले हमने देखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नहीं साहब, महत्वपूर्ण ये है कि समझौते के साथ, तालमेल के साथ जो है बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। और उनका यह भी कहना था कि तालमेल क्या ही उम्मीदवार होंगे, गठबंधन के ही उम्मीदवार होंगे। लेकिन लड़ गए वहाँ। और हम लोगों को जिस ढंग से गाली दी गई, राष्ट्रीय जनता दल को गाली दी गई, जैसे देश को कट्टरवाद से बचाने की ऐतिहासिक जवाबदेही जो है कन्हैया कुमार की है, और उस जवाबदेही को हम लोग निभाने नहीं दे रहे हैं, उसमें बाधा उपस्थित कर रहे हैं। हमको याद है, अब उस समय हमारे एक मित्र के किताब का विमोचन होने वाला था, दिल्ली गए हुए थे, कि जिस ढंग से हमको लोगों ने विमोचन, आज जो है कन्हैया कुमार ऐतिहासिक जवाबदेही CPI में उनको लगा कि नहीं हम निभा सकते हैं। उनकी जो महत्वाकांक्षा है, वो उस महत्वाकांक्षा के सामने जो है CPI बहुत छोटी पार्टी है, बहुत छोटा मैदान है, उनको खेलने के लिए बहुत बड़ा मैदान चाहिए। कांग्रेस उठाए हैं और आज उनका कल जो उन्होंने बयान दिया, कांग्रेस में शामिल होने का जो कारण बताया, उसको भी देखिए। वो कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक जवाबदेही के निर्वाह के लिए हम कांग्रेस में आए हैं। माने ये जो बड़ा जहाज है कांग्रेस, उनकी बड़ा जहाज है, वो डूबे नहीं, उसको बचाने की ऐतिहासिक जवाबदेही जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की नहीं है, उनसे नहीं संभल रहा था, तो ये उसको निभाने के लिए वहां गए। और किस तरह से गांधी, लोहिया और क्या क्या उन्होंने, मैंने अम्बेडकर, भगत सिंह, सबका उन्होंने नाम लिया, जैसे सबके वारिस जो है उस धारा के यही है कन्हैया कुमार जी हैं। कन्हैया कुमार जी के लिए हमारी शुभकामना है। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस भी पढ़े, ये भी हमारी शुभकामना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह भी ध्यान देखना चाहिए कहाँ कहाँ वो दाव लगा रही है। अब पंजाब में सिद्धू जी पर दाव लगाया, क्या हालत हो गई देखने के बाद। उसी तरह से केरल में जहाँ से राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहाँ उन्होंने वहाँ के पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर दाव लगाया। उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि सुधीरन जैसे कांग्रेस के पुराने गांधीवादी नेता जो है उन्होंने अपने पद से त्याग कर दिया। तो इस तरह से जिनका जमीन पर कोई आधार नहीं है, अब सिर्फ भाषण देने की कला में डिबेटिंग सोसाइटी का स्किल है आपके पास, उससे देश जो है बचने वाला नहीं है। कांग्रेस को भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आज इसकी ऐसी स्थिति क्यों है। और यह भी जो एक जिद है कांग्रेस की, नहीं साहब जो होगा हम बहुमत अगर आएगा अपोजिशन को तो प्रधानमंत्री हमारा ही होगा, यह जिद भी छोड़ना चाहिए। ऐतिहासिक अवसर है, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश की एकता खतरे में है। देश को बचाना है या अपने आप को बचाना है, ये कांग्रेस को